हेलो बच्चों, एजुकेशन ट्रैप यूट्यूब चैनल तुम सबको स्वागत कर रहे हैं। आज तुम्हारे लिए हम एक कहानी लेके आए हूँ, सांड और चूही, द बुल एंड द रैट। तो अब कहानी के तरफ हम बढ़ते हैं। एक समय एक गांव में बलशाली सांड रहता था। एक दिन वो सांड एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। वह गहरी नींद में डूब गया और जोर से खर्राटे भरने लगा। उस वृक्ष के पास एक बिल में एक चूही रहती थी। वो सांड के खर्राटों की आवाज़ से चूही की शांत भंग हुई। वो बाहर आई तो पाया कि बड़ा सांड खर्राटे भर रहा है। चिड़चिड़ी चूही गई और सांड की नाक पर नाखूनों से खर्चा। सांड जाकर क्रोध से उस पर गरजा। उसने चूही को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। चूही बचकर भाग निकली। उसने कुत्ते की दीवार में एक छेद पाया और उसके भीतर छिप गया। सांड ने चूही को दंड देने का पक्का निर्णय ले लिया। वो पगला कर गरजने लगा। उसने चूही पर चिल्लाया, ए शरारती चूहिए, तुरंत बाहर आ, नहीं तो मैं तुम्हें वही दफना दूंगा। सांड अपने सिर से दीवार ठोकने लगा, परंतु इससे बात नहीं बनी। सांड के एकाएक क्रोधित होने पर चूही हंस पड़ी। उसने कहा, क्या तुम पगला गए हो? मैं इस छेद में सुरक्षित हूँ, तुम मुझे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि बल से हमेशा समस्या हल नहीं होती है। फिर भी सांड आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने चूही को पकड़ने का बारंबार प्रयत्न किया, परंतु वो नहीं पकड़ गया। तब उसने चूही के कहे शब्दों को स्मरण किया। धीरे से उसका क्रोध कम हुआ। सांड स्वयं से बड़बड़ाता हुआ, बल से हमेशा समस्या हल नहीं होती है, वृक्ष के पास लौट आया। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखे? जब बल से हमेशा सब का समस्या नहीं हो सकता। तो ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और तार नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ठीक है, फिर अगली एपिसोड में फिर एक नया कहानी लेके हमारे पास हम आएंगे। बाय बाय। Yeah!